कॉन्फ्रेंस हो रही है, भूपेंद्र यादव क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। के साथ ईज ऑफ डूइंग के प्रयास है, उसके कारण आज ये सुखद स्थिति का निर्माण हो रहा है। देश में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का एक बड़ा वर्ग है, 28.5 करोड़ लोगों का ई श्रम के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन किया जाना, कोविड में कोविन जैसा एक आधार लिंकेज, पेरिस एग्रीमेंट में जो भारत ने कहा था कि हम अपने रिन्यूएबल एनर्जी के जो टारगेट भारत ने दिए थे उसको 9 वर्ष पहले भारत ने पूरा किया है, और इतना ही नहीं, हमारी घर में कमी आई है। पर्यावरण के क्षेत्र में भी विशेष रूप से पेरिस एग्रीमेंट में जो भारत ने कहा था कि हम अपने रिन्यूएबल एनर्जी के जो टारगेट भारत ने दिए थे उसको 9 वर्ष पहले भारत ने पूरा किया है, और इतना ही नहीं, दुनिया के उन चुनिंदा देशों में भारत शामिल हुआ है जिन्होंने अपने अनहेंस राष्ट्रीय लक्ष्यों को दुनिया के सामने रखा है, और 2070 का जो नेट जीरो एमिशन का, कार्बन एमिशन का जो प्लान है वो भी भारत ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में रखा है। देश में ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क पिछले बजट से शुरू हुआ, इस बजट में ग्रीन क्रेडिट का विषय आया। आर्थिक सर्वेक्षण इस बात को पूरी तरीके से अनुमानित करता है कि इन सब विषयों से देश में 6 लाख ग्रीन जॉब नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत निर्मित होंगे, और यही कारण है कि प्रधानमंत्री आवास योजना और कम्युनिटी और पब्लिक टॉयलेट जैसे विषयों पे सरकार ने एक रिमार्केबल कार्य किया है। हमने देखा है कि आर्थिक सर्वे के बाद माननीय राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण हुआ और सरकार की जो फिलॉसफी को रखा गया, एक आत्मनिर्भर भारत जो सभी मानवीय विकास के विषयों को रेखांकित करता हुआ, देश में गरीब कल्याण के लिए प्रेरित सरकार, युवाओं और महिलाओं की ताकत को बढ़ाते हुए हमारे देश की जो अनेकता में एकता की जो कल्पना है उसको मजबूत करने के लिए सरकार पूरी तरीके से काम कर रही है, और इसलिए आजादी के 75 साल में गवर्नेंस के स्तर पर, स्वास्थ्य के स्तर पर, अंत्योदय जैसे कार्यक्रम, पिछड़े वर्ग को आगे बढ़ाने की सशक्त योजनाएं, महिलाओं का एम्पावरमेंट, भारत की सांस्कृतिक विषयों को आगे बढ़ाना, इन 9 वर्षों में जो मजबूती के साथ कार्य रखा उसी को लेकर के ये बजट प्रस्तुत हुआ है। और इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जो बजट है वो लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, हर देशवासी को गौरवान्वित करने के लिए बजट प्रस्तुत हुआ है, और इसलिए ये मुख्यतः अगर आप इस फोकस को, अगर आप बजट के फोकस को देखेंगे तो टेक्नोलॉजी ड्रिवन एंड नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी को बढ़ाने वाला बजट है, अवसरों को बढ़ाने वाला बजट है, विशेष रूप से युवाओं के लिए रोजगार और जॉब के अवसर को बढ़ाने वाला और मजबूत भारत को बढ़ाने वाला ये बजट है। और ये जो सब कुछ संभव हो पाएगा जन भागीदारी और सबका प्रयास, ये विशेष रूप से सरकार का संकल्प है, और इसलिए जो 7 प्रायोरिटी सेक्टर बजट के लिए गए हैं, इंक्लूसिव डेवलपमेंट जिसको समावेशी विकास, अंतिम छोर तक विकास के प्रयत्नों को पहुंचाने का संकल्प, साहस, प्रतिबद्धता और पूरा करने की क्षमता, देश की युवा शक्ति को आगे बढ़ने के अवसर, देश के फाइनेंशियल सेक्टर को, आर्थिक क्षेत्र को मजबूती प्रदान करना, इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट, आधारभूत ढांचे और निवेश के माहौल में सुधार करना, देश की क्षमताओं का विकास करना और ग्रीन ग्रोथ करना, ये बजट की मुख्य विशेषताएं इसमें हैं। और विशेष रूप से अगर मैं आप लोगों से ग्रीन ग्रोथ की बात करूं
तो इस बजट के अंतर्गत आज जो दुनिया में पर्यावरणीय विषय में सबसे बड़ा विषय सर्कुलर इकोनॉमी का है, जिसको हम वेस्ट टू वेल्थ एनर्जी कहते हैं, धरती के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को हम वापस से सर्कुलर इकोनॉमी के द्वारा पुनः रीसाइकिल, रीयूज और रीप्रोड्यूस के द्वारा ले जा पाएं। प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों मन की बात में भी इसका उल्लेख किया था और इस बजट में 500 नए वेस्ट टू वेल्थ प्लांट की विषय को रखा गया है। ग्रीन ग्रोथ के लिए जरूरी है कि हम धरती की उर्वरकता को भी बनाए रखें और किसानों के लिए पीएफ प्रणाम जैसी योजना को लागू किया गया, जिसको नेचुरल खेती को आगे बढ़ाने की बात बजट में की गई है। क्लीन एनवायरनमेंट और गुड हेल्थ, ये दोनों आपस में जुड़े हुए विषय हैं। हमारा जो समुद्री क्षेत्र है वहां पर शरण को रोक, धरती के जो खारापन है उसको रोकने और उसका उपयोग करने के लिए जो मैंग्रोव प्लांटेशन का एक बहुत बड़ा योजना मिष्टी के नाम से इसमें दी गई है। और हम सबको पता है गांव देहात में ताल, तलैया, ये सब पानी के बड़े रिसोर्सेस होते हैं। आज़ादी के अमृत वर्ष में प्रधानमंत्री जी के द्वारा अमृत सरोवर की घोषणा की गई। भारत इस मामले में सौभाग्यशाली है कि हमारे पास बड़ी झीलें भी हैं, धरोहर को आगे बढ़ाने के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। देश में क्लीन और ग्रीन रोड के लिए ओल्ड व्हीकल की स्क्रैप पॉलिसी और सीएनजी को सस्ता करने के अच्छे कदम उठाए गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना किसी भी देश के विकास की गति को पकड़ा नहीं जा सकता और पीएम गति शक्ति देश में एक सफलतम है। क्लीन और ग्रीन रोड के लिए ओल्ड व्हीकल की स्क्रैप पॉलिसी और सीएनजी को सस्ता करने के अच्छे कदम उठाए गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना किसी भी देश के विकास की गति को पकड़ा नहीं जा सकता और पीएम गति शक्ति देश में एक सफलतम उदाहरण है। जब हम 7 मूलभूत और आधारभूत क्षेत्र, चाहे पोर्ट हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे रेल हो, चाहे डिजिटल कनेक्शन हो, चाहे वेयर हाउसेस हो, उसको एक सफलतापूर्वक गति शक्ति ने ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर को जोड़ने का काम किया, उसके लिए एक अच्छे आउटले का व्यवस्था की गई और 10 लाख करोड़ रुपए का और कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए प्रावधान बजट के लिए अंतर्गत किया गया। रेलवे की कैपेसिटी को बढ़ाने का विषय किया गया, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का विषय किया गया है। देश में जैसा कि मैंने कहा, मैं विशेष रूप से आज आपसे ग्रीन इकोनॉमी की बात करूंगा, तो नेट जीरो का जो लक्ष्य भारत ने तय किया उसके लिए एक अलग से बजट की व्यवस्था 35,000 करोड़ की, 19,700 करोड़ रुपए नेशनल हाइड्रोजन मिशन, 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग तक ले जाना, इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम रिन्यूएबल एनर्जी के लिए लद्दाख से एक व्यवस्था को शुरू किया गया है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की पॉलिसी, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की कैपेसिटी को बढ़ाना, कोस्टल शिपिंग को प्रमोट करना। अगर इसके साथ हम बाकी विषयों को देखें तो प्रधानमंत्री जी का जो आत्मनिर्भर भारत का विजन है कि हमें विकास में भारतीय विकास के मॉडल को पूरे देश में खड़ा करना और लास्ट माइल डिलीवरी, टारगेटेड डिलीवरी के साथ ही साथ सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास लेते हुए बजट की धारणा को आगे बढ़ाया गया है।